अगर आप लोग एक नया लैपटॉप ढूंढ रहे हैं प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट के लिए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और आज का टॉपिक है बेस्ट लैपटॉप्स फॉर प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट इन 2019। सो मैं यूजुअली फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ को मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अपने अमेजोन पेज को अपडेट करूंगा और अब साथ ही साथ मैं हर महीने की पहली तारीख को लैपटॉप्स को लेकर के एक वीडियो भी बनाऊंगा। दैट कैन बी अ स्पेसिफिक रिव्यू, दैट कैन बी अ टॉप 10 फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, मीन्स लैपटॉप को लेकर के हम लोग हर पहली तारीख को इस चैनल पे बात करेंगे। एंड बिफोर आई गेट स्टार्टेड, मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि यार ये पर्टिकुलर लैपटॉप्स बेस्ट लैपटॉप्स हैं, आप लोगों को यही लैपटॉप लेने चाहिए। द मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज़ कि आप लोगों को मैं एक ऑप्शंस बता दूं कि आप लोगों के पास ये पर्टिकुलर ऑप्शंस हैं नाउ, ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों के लिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा, कौन सा ऑप्शन अच्छा रहेगा, ये आप लोगों के ऊपर। सो इसका मोटिव है कि आप लोगों का रिसर्च टाइम जो है वो मैं कट डाउन कर दूँ। मीन्स अगर आप लोग रिसर्च, जब भी आप लोग कोई लैपटॉप लेते हैं तो यूजुअली आप लोग रिसर्च करते हैं 5 दिन 10 दिन, तो आप लोग एक लिस्ट बनाते हैं, तो वो मेरा मोटिव है कि मैं आप लोगों के लिए एक रिसर्च टाइम कम कर दूँ एंड देन मैं आप लोगों को ये ऑप्शन बता दूँ कि दीज आर द पर्टिकुलर ऑप्शन जो अभी अच्छे चल रहे हैं एंड उसमें से आपको एक चॉइस ले सकते हैं अपने लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर टॉपिक बेस्ट लैपटॉप्स फॉर प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट इन 2019। सो जो मैं लिस्ट स्टार्ट करूँगा वो लो प्राइस से रहेगी एंड धीरे धीरे उसका प्राइस इंक्रीज होता जाएगा। सो जो सबसे पहला लैपटॉप है वो है एसर का एस्पायर 3। ये मैं आप इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें Ryzen 5 है, 4 GB की रैम है, 1 TB की हार्ड डिस्क है और विंडोज 10 इसमें अपने आप ही आता है। तो ये काफ़ी अच्छा लैपटॉप रहेगा। अगर आप लोग अंडर 30,000 देख रहे हैं तो ये आप लोगों को 29 में मिल जाएगा एंड अगर मैं इसकी प्राइसिंग देखूँ तो ये 40,000 से स्टार्ट हुआ था दिसंबर में और अब इसकी प्राइसिंग आ गई है 29-28 पे। तो इट्स अ गुड लैपटॉप फॉर द प्राइस राइट नाउ ऑफ 29,000। अगला जो लैपटॉप है वो है आसूस की तरफ से आने वाला X507। इसकी खास बात यह है कि इसका वेट कम है, मीन्स 1.7 kg का है, नॉट वेरी थिन बट ठीक है, 1.7 kg आप लोग इसको कैरी कर सकते हैं। और इसमें i3 आता है, 7th जनरेशन का, 8 GB की रैम है, 1 TB की हार्ड डिस्क है। और इसमें खास बात यह है कि इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा, बट फिंगरप्रिंट सेंसर की तरफ ना ही जाए, मीन्स जस्ट फॉर द फिंगरप्रिंट सेंसर डोंट गेट दिस लैपटॉप, बट गेट दिस लैपटॉप फॉर द प्राइस पॉइंट एंड द वैल्यू दे आर ऑफरिंग। अब हम लोग आते हैं हमारे अगले लैपटॉप की तरफ। हमारा अगला लैपटॉप है लिनोवो का IdeaPad 330S। इसमें खास बात यह है कि ये लोग 8th जनरेशन i3 दे रहे हैं, मीन्स अभी तक जो हम लोगों ने लैपटॉप देखे थे वो लोग 7th जनरेशन दे रहे थे, मीन्स जो हमारा अभी आसूस का था वो 7th जनरेशन दे रहा था, ये i3 8th जनरेशन दे रहा है और 4 GB के रैम दे रहा है। बट इसमें एक और एक्स फैक्टर ये है कि 256 GB की SSD दे रहा है। 256 GB की SSD आप लोगों को बहुत डिफरेंस मैटर करता है और 35,000 में ये प्राइस पॉइंट पे इट्स अ टोटल वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप एंड यू कैन गेट दिस फॉर 35,000 राइट नाउ। और अगर हम लोग इसके सेल्स में देखें तो 33,000 में भी ये जाता है, तो अगर आप लोग सेल्स में लेंगे तो आप लोगों को ये 33,000 तक का भी लैपटॉप पड़ सकता है। अगला लैपटॉप जो है वो अगेन लिनोवो की तरफ से IdeaPad 330 है। इसकी खास बात यह है कि इसमें आपको i5 8th जनरेशन मिल रहा है, मीन्स अंडर 40,000 i5 8th जनरेशन, इट्स अ स्टील ऑफ अ डील राइट नाउ। और इसका वेट थोड़ा हैवी है, बस 2.2 kg का इसका वेट है, 8 GB रैम मिल रही है, 1 TB की हार्ड डिस्क है। और अगर मैं नीचे इसके बाकी स्पेक्स की बात करूं तो इसमें आप लोगों को डॉस मिल रहा है एंड डॉस आप लोगों को मिल रहा है, मीन्स आप लोगों को विंडोज़ खुद इंस्टॉल करनी पड़ेगी, अदरवाइज इट्स अ वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप। अगर आप लोगों को अंडर 40,000 चाहिए तो ये आप लोगों की सारी प्रोग्रामिंग नीड्स पूरी कर सकता है क्योंकि इसका प्रोसेसर काफ़ी फास्ट है, i5 है 8th जनरेशन का। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो ड्यूरिंग सेल्स इसकी प्राइस जाती है 38,000 के हिसाब पास, तो 38-39,000 में अच्छा प्राइस पॉइंट पे आपको ये लैपटॉप मिल सकता है। तो अब हम लोग आ गए हमारे अगले लैपटॉप की तरफ, वो है HP का 15 जिसका प्राइस पॉइंट है अराउंड 45,000 का। इसमें i5 है जो कि 7th जनरेशन का है, 8 GB की रैम है, 1 TB की हार्ड डिस्क है और इसका वेट है अराउंड 2 kg का। सो अगर आप लोगों को HP की तरफ जाना है तो HP में 45,000 में ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा है। अगला जो लैपटॉप है वो है आसूस की तरफ से आने वाला X507। इट्स अ वेरी गुड लैपटॉप फॉर द प्राइस ऑफ 47,000। ये आप लोगों को इसमें i5 8th जनरेशन मिलेगा, इसमें आपको 1 TB की हार्ड डिस्क मिलेगी, 8 GB की रैम मिलेगी और इसकी खास बात है कि इसका वेट भी बहुत कम है, 1.6 kg का, जस्ट 1.6 kg का इसका वेट है। और अगर मैं इसके सेल्स में अगर मैं देखूँ कि इसकी प्राइस क्या चल रही है तो इसकी प्राइस यूजुअली अराउंड 46, 47,
48-45, मीन्स 45 से 48,000 के बीच में आप लोगों को इसकी प्राइस मिलेगी और इट्स अ टोटल वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप इन दैट प्राइस रेंज। अगला जो लैपटॉप है वो है आसूस की तरफ से आने वाला TUF FX 505। इट्स अ बीस्ट ऑफ अ लैपटॉप, इसमें ऑलमोस्ट सारी कैपेबिलिटीज है, मीन्स इसमें अच्छा खासा ग्राफिक कार्ड है, इसमें आप लोग गेमिंग कर सकते हो, इसको आप लोग प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, इसको आप लोग डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इसको आप लोग वीडियो एडिटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सो इट्स अ बीस्ट ऑफ अ लैपटॉप फॉर द प्राइस ऑफ राइट नाउ इट इज़ शोइंग 60,000 और इसका जो वेट है वो है अराउंड 2.2 kg का, तो थोड़े हेवियर साइड पे है, बट आप लोगों को अगर पूरी परफॉर्मेंस चाहिए इन बजट, मींस गेमिंग लैपटॉप की अगर मैं बात करूं कि अगर आप लोग 50,000-60,000 में एक पूरा एक कंप्लीट लैपटॉप चाहिए तो इट्स अ ग्रेट लैपटॉप। इसकी अगर मैं प्राइस पॉइंट की इसकी बात करूं तो अभी यहाँ पे 60,000 शो कर रहा है, बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेल्स जब शुरू होती है तब ये आप लोगों को 50,000 तक भी पड़ जाता है। जैसे यहाँ पे 53 बता रहा है, 53 और मई की अगर मैं बात करूँ तो मई में 50,000 का था, तो उस हिसाब से आप लोग सेल्स का इंतज़ार कर सकते हैं मतलब लैपटॉप लेने के लिए 50,000 में। इट्स अ वेरी गुड लैपटॉप। और जो हमारा अगला लैपटॉप है वो देन अगेन आसूस की तरफ से आने वाला वीवो बुक है, एंड वीवो बुक आर पर्टिकुलरली फेमस फॉर लाइट एंड थिन लैपटॉप्स, तो ये वीवो बुक S15 है जो कि 62,000 में आएगी। सो इट्स लाइट लैपटॉप, 1.7 kg का है और इसमें कोर i5 8th generation मिलेगा, 8 GB की रैम रहेगी और 1 TB की हार्ड डिस्क के साथ साथ इसमें 256 GB की SSD भी रहेगी, जो काफ़ी ही आप लोगों की परफॉर्मेंस, आप लोगों का बूट अप टाइम काफ़ी स्पीड अप भी कर देगा। सो इट्स बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स कि आप लोगों को स्पेस भी मिल रही है और आप लोगों को SSD भी मिल रही है। सो अगर आपका बजट 60,000 है आप लोग को आसूस की वीवो बुक ले सकते हैं। अगला जो लैपटॉप है वो है डेल का इंस्पिरियन 5370। इट्स अगेन अ ग्रेट लैपटॉप एंड ये जो लैपटॉप की प्राइस है वो है 63,000 की और इसमें आप लोगों को मिल जाएगा इंटेल कोर i5 8th generation के साथ में। सो इसमें एक ये चीज़ है कि ये 13 inch का लैपटॉप है, तो अगर आप लोगों को काफ़ी कुछ कैरी करना पड़ता है, आप लोग काफ़ी कैरी करने की सोचते हैं अपने लैपटॉप को, आपको पोर्टेबिलिटी भी चाहिए, आपको साइज़ भी छोटा चाहिए, आप लोगों को परफॉर्मेंस भी चाहिए उसमें से, तो ये लैपटॉप अच्छा है। इसमें साइज़ आप लोगों को काफ़ी कम मिलेगा, मीन्स 13 inch का छोटा सा लैपटॉप रहेगा और इसमें आप लोगों की SSD भी आप लोगों को मिलेगी 256 GB की। अगला जो लैपटॉप है वो है लिनोवो का आइडिया पैड 530S। ये है कोर i5 8th generation के साथ आता है, 15 inch की इसकी स्क्रीन है और इसमें 8 GB की रैम है, 512 GB की इसमें SSD है और साथ में आप लोगों को विंडोज़ 10 प्री इंस्टॉल मिलेगा अलॉन्ग विथ MS Office और इसमें 2 GB का ग्राफिक कार्ड भी है और इसका जो वेट है वो है सिर्फ 1.7 kg का। तो इस लैपटॉप में ऑलमोस्ट सभी ये बॉक्स टिक मार्क मारता है फॉर द प्राइस रेंज ऑफ 63,000 कि आप लोगों को इसमें एक अच्छी SSD भी मिल रही है, आप लोगों को एक अच्छी रैम भी मिल रही है इसमें और ग्राफिक कार्ड भी मिल रहा है, तो इट्स अ गुड लैपटॉप फॉर द प्राइस पॉइंट ऑफ 64,000। अगला जो लैपटॉप है वो है डेल का इंस्पिरियन 7570। ये 15 inch का लैपटॉप है और इसकी प्राइस अराउंड आ रही है 70,000 की और इसमें आप लोगों को मिलेगा 8th generation i5 1 TB की हार्ड डिस्क प्लस 128 GB की SSD, मींस इसमें आप लोगों का जो बूट अप टाइम रहेगा वो काफ़ी फास्ट रहेगा, आप लोगों का लैपटॉप बहुत जल्दी बूट हो जाएगा और आप लोगों को NVIDIA का 4 GB का ग्राफिक कार्ड भी मिल रहा है, तो 70,000 में ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा है। अगर मैं इसके वेट की बात करूँ तो इसका वेट थोड़ा हेवियर साइड पे ऑलमोस्ट 2.1 kg है, तो अगर आप लोगों को वेट से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को एक अच्छा लैपटॉप चाहिए 70,000 में, तो डेल का ये वाला लैपटॉप काफ़ी अच्छा है। अगला जो लैपटॉप है वो भी अराउंड 70,000 की रेंज में ही है, ये है आसूस की वीवो बुक S14। इसकी खास बात यह है कि इसका वेट बहुत कम है, अराउंड 1.2 kg का इसका वेट है, इसमें 14 inch का डिस्प्ले है, 512 GB की SSD है, i7 8th generation है और इसमें 8 GB की रैम भी है, तो इसका जो मेन सेलिंग फैक्टर है वो इसका वेट और इसकी परफॉर्मेंस, मीन्स इसमें आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी और काफ़ी कम लाइट वेट रहेगा, तो आप लोग इसको लेकर के कैरी भी कर सकते हैं, ऑफिस जाना है आप लोगों को या आप लोगों को कॉलेज जाना है तो ये वाले लैपटॉप को लेकर के आप इजीली कैरी कर सकते हैं एंड ये आपकी पूरी डेवलपमेंट नीड्स को इजीली फुलफिल भी कर देगा। एंड वीवो बुक की एक और खास बात यह भी है कि 70,000 की रेंज में मुझे सिर्फ यही एक अच्छा लैपटॉप मिला जो आप लोगों को i7 भी दे रहा है, उसकी वेट भी कम है उसका और इतनी परफॉर्मेंस भी वो पावर पैक दे रहा है, तो 70,000 में ये जो परफॉर्मेंस दे रहा है वो काफ़ी अच्छी दे रहा है विद द प्रोसेसर ऑफ i7। तो i7 अगर आपको चाहिए, आप लोगों का बजट ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग 70,000 में ये वाला लैपटॉप डेफिनेटली ले सकते हैं। अगला जो लैपटॉप है वो है डेल की तरफ से आने वाला इंस्पिरियन 5370। इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था लेकिन वो i5 था, अभी हम लोग बात कर रहे हैं i7 की। i7 जो इसकी प्राइस पॉइंट आ रही है वो आ रही है 75,000 की। तो अगर आपको डेल पे जाना है और आपको 13 inch का छोटा मोटा लैपटॉप चाहिए जिसमें आप लोग थोड़े बहुत वीडियो एडिटिंग भी कर लें, कैरी भी कर लें, 256 GB की इसमें SSD रहेगी,
तो ये वाला लैपटॉप आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, कोर i7 के साथ में आने वाला, और इसका वेट है अराउंड 1.4 kg का। सो अब जो हमारा अगला लैपटॉप है वो है माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस प्रो 6। ये है 8th जनरेशन इंटेल कोर i5 के साथ आने वाला, 8 GB रैम के साथ, 128 GB SSD के साथ आने वाला माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस प्रो 6। इसकी खास बात यह है कि आप इसको कहीं पे कैरी कर सकते हैं। इसका अगर मैं वेट की बात करूं तो इट्स वेट इज़ 0.77 kg, मीन्स 1 किलो भी इसका वेट नहीं है, तो आप लोग इसको कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हैं। इट्स मेड फॉर पोर्टेबिलिटी, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पोर्टेबिलिटी का काम है, आप लोगों को हर जगह ले लेके घूमना पड़ता है, आप लोगों को आईपैड नहीं चाहिए, तो ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोग इसको लेके इजीली कैरी कर सकते हैं और ये आप लोगों की डेवलपमेंट नीड्स को भी फुलफिल कर देगा। बट अगेन इसमें कुछ कॉन्स आ जाते हैं, जैसे इसमें स्पेस इतनी नहीं है, तो अगर आप लोगों की पोर्टेबिलिटी है तो ये लैपटॉप ले सकते हैं। अगला लैपटॉप की तरफ मैं आता हूँ, वो है आसूस की तरफ से आने वाला ज़ेनबुक 14। इसकी खास बात यह है कि अगेन ये काफ़ी ही लाइट वेट लैपटॉप है फॉर द फीचर्स दैट इट इज़ ऑफरिंग, मीन्स 1.2 kg का है, और इसमें आपको 8th जनरेशन इंटेल कोर i7 मिलेगा, 8 GB की रैम मिलेगी, 512 GB की SSD भी मिलेगी। तो इट इज़ कमिंग एट द प्राइस पॉइंट ऑफ 85,000। और अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसकी प्राइस क्या चल रही थी, पहले 90,000 पे था और स्टार्ट है 93 से हुआ था, अभी 85 पे मिल रहा है। सो फॉर द प्राइस पॉइंट ऑफ 85,000, पावर पैक भी है, लैपटॉप भी अच्छा है और वेट भी कम है, सो इट्स अ कम्प्लीट लैपटॉप। अगर आपको आसूस की तरफ जाना है तो आप लोग ज़ेनबुक ले सकते हैं, बस इसमें आपको स्क्रीन जो मिलेगी वो 14 इंच की मिलेगी। अगला जो लैपटॉप है वो है लिनोवो की तरफ से आने वाला योगा 530। इसकी खास बात यह है कि 2-in-1 लैपटॉप है, मीन्स अगर आपको टच स्क्रीन चाहिए, अगर आपको टच स्क्रीन लैपटॉप्स का शौक है, आप लोगों को टैब भी चाहिए साथ साथ में, तो ये वाला लैपटॉप आप लोग ले सकते हैं। इसमें आप लोगों को 8 GB की रैम मिल जाएगी, 512 GB की SSD मिल जाएगी और ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा 2 GB का, और i5 8th जनरेशन प्रोसेसर मिलेगा आप लोगों को इसमें। और अब अगर मैं अपने अगले लैपटॉप की तरफ से आता हूँ तो वो है HP की तरफ से आने वाला NV13। ये इसमें आपको मिल जाएगा इंटेल कोर i7 8th जनरेशन 8 GB रैम के साथ में, साथ साथ में आपको NVIDIA का 2 GB का ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को HP की तरफ जाना है तो ये वाला लैपटॉप आप लोग ले सकते हैं फॉर द प्राइस पॉइंट ऑफ 94,000। अब अगर हम लोग थोड़ी और ऊपर की रेंज में जाएंगे, अराउंड 1 लाख की रेंज में हम लोग जाएंगे, तो हमारे पास आता है माइक्रोसॉफ्ट का सर्फेस लैपटॉप, जिसका वेट रहेगा 1.3 kg का, 13 इंच का लैपटॉप रहेगा, 8 GB की इसमें रैम रहेगी, 256 GB की इसमें SSD रहेगी, तो इट्स अ गुड लैपटॉप। और अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस लैपटॉप चाहिए, टाइनी लैपटॉप चाहिए, तो ये वाला लैपटॉप आप लोग ले सकते हैं। हमारा जो अगला लैपटॉप है वो आता है एप्पल मैकबुक एयर, जो कि काफ़ी पहले मैं इसको रिकमेंड नहीं करता था, बट जब से लेकिन इन्होंने 2018 में जो लॉन्च किया है 8th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में, इसलिए अब मैं इसे रिकमेंड करता हूँ, आप लोग जाके इसे देख सकते हैं। इट्स अ गुड लैपटॉप एंड यहाँ पे आप लोगों को 1,06,000 में फिलहाल ये अभी मिल रहा है, 13 इंच का है, एकदम पोर्टेबल भी रहेगा। और अगर मैं इसके वेट की बात करूँ तो वेट विल बी अराउंड समवेयर अराउंड 1 kg, हाँ 1.25 kg का इसका वेट रहेगा। अगला जो लैपटॉप है वो है डेल की तरफ से आने वाला XPS 13। ये 13 इंच का एक टाइनी लैपटॉप है, जो भी एप्पल की मैकबुक एयर को कम्पीट करने के लिए आया गया है। इसकी जो SSD है वो है 256 GB के SSD के साथ में आता है ये। इट्स अ वेरी गुड लैपटॉप, बट सिर्फ इसका एक चीज़ ध्यान रखो कि जब भी आप इसे लोगे तो इसमें एक प्रॉब्लम है कॉइल वाइन करके, इसके बारे में गूगल कर लेना कि आप लोग जब भी इसे यूज़ करोगे शायद से थोड़ी सी नॉइज़ आ सकती है, मॉस्किटो टाइप की एक नॉइज़ आ सकती है लैपटॉप में से। तो लेने से पहले ये चेक कर लेना कि उसमें कोई नॉइज़ तो नहीं आ रही है, और अगर आ रही है तो जल्दी से जल्दी सर्विस सेंटर में जाके उसे रिजॉल्व करवा देना। तो अगर आप लोगों को 1 लाख में चाहिए तो डेल की तरफ से आता है, माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस बुक की तरफ से आता है और एप्पल की तरफ से भी आता है। अब जो अगला लैपटॉप है वो अगेन हम लोग मैकबुक एयर पे, मैकबुक प्रो पे आ गए हैं, वो हम लोग 1,60,000 का है। अब मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ कि जब भी आप लोग 1 लाख के ऊपर जाओगे तो वैसे तो काफ़ी सारे लैपटॉप्स हैं, बट जो उसमें से अच्छे लैपटॉप्स में आएंगे वो आएगा एप्पल का मैकबुक, एक आएगा डेल का XPS एंड माइक्रोसॉफ्ट का सर्फेस। ये 3 लैपटॉप्स इंडिया में सक्सेस रहे हैं, और ये 3 लैपटॉप्स में से आप लोग कोई भी लैपटॉप चूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। मैं सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी लैपटॉप्स अमेजोन पे अभी अवेलेबल हैं, माइक्रोसॉफ्ट का सर्फेस हो गया, डेल का XPS हो गया या मैकबुक प्रो हो गई।
तो इन सब के लिंक्स तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, बट आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आप लोगों को एप्पल के इकोसिस्टम में जाना है, अगर आप लोगों को फाइनल कट यूज़ करना है, अगर आप लोगों को एक्स कोड में यूज़ करना है, अगर आप लोगों को स्केच जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, तो आप लोग को मैकबुक तो लेना ही पड़ेगा। तो आप लोग ले सकते हो एयर ले सकते हो या फिर प्रो ले सकते हो। लेकिन अब अगर आप लोगों को एप्पल में नहीं जाना है तो आप लोगों के पास चॉइस रहेगी माइक्रोसॉफ्ट के सर्फेस लैपटॉप के लिए, आप लोगों के पास चॉइस रहेगी डेल के एक्सपीएस में, आप लोग इन दोनों लैपटॉप्स को चूज़ कर सकते हैं। एंड आप लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हुआवे मेटबुक भी जो आई थी वो भी काफ़ी एक अच्छा लैपटॉप था, बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस, क्योंकि अभी राइट नाउ जो सिनेरियो जो चल रहा है यूएस और चाइना और हुआवे के बीच में, तो अभी हम लोग हुआवे की अभी मैं कोई लैपटॉप्स नहीं रिकमेंड करूँगा कि अभी कोई लैपटॉप्स मत लो, चाहे कितने भी सस्ते में मिल रहे हो अभी मत लो, देख लो पहले कि कैसा सिनेरियो चल रहा है। और ये तीन लैपटॉप्स को आप लोग ले सकते हैं अगर आप लोग जा रहे हैं 1 लाख के ऊपर में आप लोगों का बजट है। तो ये कुछ लैपटॉप्स है फॉर प्रोग्रामिंग जो अच्छे रहेंगे, जो आप लोग परचेज कर सकते हैं। और रिमेंबर कि दीज आर जस्ट एन ऑप्शन, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज़ द बेस्ट लैपटॉप, दिस इज़ द बेस्ट लैपटॉप, ठीक है, मैकबुक प्रो ही बेस्ट लैपटॉप है, ऐसा नहीं है। सब लैपटॉप्स के अपने डिसएडवांटेज रहते हैं, जो मेरी मैकबुक है ये भी मीन्स इसके भी डिसएडवांटेज हैं। तो ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द बेस्ट लैपटॉप, ठीक है, अपनी नीड्स अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से देखो कि वॉट इज़ अ गुड लैपटॉप फॉर यू, ठीक है। तो सिर्फ ऐसे एक ऑप्शंस की तरह लो एंड देन डू योर ओन रिसर्च बिफोर मेकिंग अ परचेज। और अगर कोई मैंने लैपटॉप मिस कर दिया है जो कि एक अच्छा लैपटॉप है, तो उसे नीचे कमेंट्स में बता देना ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल जाए कि एक अच्छा लैपटॉप ऑप्शन है। सो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको कुछ वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड मैं मिलूंगा आप लोग से अगले वीडियो में। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।